जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित। दोस्तों, इस वीडियो में इसरो ने अभी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला हुआ है उसका फॉर्म भर के हम आपको पूरा दिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट आउट तक ले चलेंगे, तो पूरा फॉर्म आप ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 20 दिसंबर 2022 से चालू है फॉर्म। जनरल OBC EWS की 100 रुपये फीस है, SC ST PH की 0 है, फीमेल की भी 0 है। लास्ट डेट इसकी 9 जनवरी 2023 है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कई सारी पोस्टें दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि आपका ग्रेजुएशन 60% से अबव होना चाहिए। 60% हो उसके ऊपर आपका चलेगा। यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें दी गई हैं, तो चलिए आप इसको शुरू करते हैं। आप यहाँ पे नीचे आएंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, वहाँ पर चले जाइएगा डायरेक्ट। अब दोस्तों, यहाँ पर आएंगे तो आपको कहीं भी अप्लाई करने का लिंक नहीं दिख रहा है, नीचे तक आते आप चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर लिंक कहाँ मिलेगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ मुझे ये इस वाले असिस्टेंट वाले पे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए अलग अलग पोस्ट का अलग अलग दिया हुआ है। असिस्टेंट का है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क का दिया हुआ है, स्टेनोग्राफर का दिया है। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। तो मैं अगर इस वाले पोस्ट में अप्लाई करना चाहूँ दोस्तों, अगर वैकेंसी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो वैकेंसियाँ दी गई हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर असिस्टेंट में ही हैं, बाकी में सभी में कम है। तो हम असिस्टेंट पे भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको यहीं पे क्लिक करना है, तभी इसका लिंक आपको मिलेगा। एक बार मैं और आपको दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है आपको इसी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अब आपको नाम अपना लिखना है, जेंडर ऑटोमेटिक मेल है, यहाँ पे सिंगल है, कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आर यू विडो, अगर आप जो है तलाकशुदा कोई औरत हैं तो यहाँ पे करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। एक सर्विस मैन, बाकी के सब यहाँ पे हम नो कर देते हैं। वेदर वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट PSU, अगर कहीं पे आप काम किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर यू स्पोर्ट पर्सन, अगर कोई हैं तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। फादर्स नेम, फिर आपको यहाँ पर फोटोग्राफ फॉर द कैंडिडेट ओनली JPEG 50 KB साइज में, फाइल नेम शैल नॉट बी कंटेन एनी ब्लैंक स्पेस स्पेशल करेक्टर, यानी कि आपको जो फोटो अपलोड करेंगे उसमें कहीं भी बीच में स्पेशल करेक्टर ना हो, ब्लैंक स्पेस ना हो। उसी तरह यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी 50 KB में अपलोड करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, फोटो साइन कैसे रिसर्च करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे आपको एक वेबसाइट सजेस्ट कर रहे हैं। आपको वही वेबसाइट ओपन करना है, IIM रिसर्चर आपको गूगल पे टाइप करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपको ये लिंक जो दिख रहा है रिड्यूस इमेज साइज, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इमेज साइज रिड्यूसर इन KB, ये लिखा होना चाहिए तभी आपका सही से होगा। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं जो फ़ोटो आपको चेंज करना है, चूँकि अभी इसका मेरे साइज मैं आपको दिखा देता हूँ 146 KB है, और यहाँ पे मांगा कितना है हमें अभी देखेंगे आप, तो 50 KB का मांगा हुआ है। तो मैं इसको चेंज करूँगा, यहाँ से हमने फ़ोटो लगा लिया है। अब इसका साइज आपको यहाँ पे 50 KB लिख देना है। फॉर्मेट आपका JPG रहने देना है। विड्थ हाइट अगर आप सेंटीमीटर पे जाएंगे तो आपको सेंटीमीटर का मिलेगा, यहाँ पे आपको ये रखना है क्योंकि यहाँ पे कुछ हाइट विड्थ का कोई कुछ दिया नहीं है तो चल जाएगा ये। आपको 3.5 और 4.5 रख लेना है। उसके बाद ऊपर जाके डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपका ये फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा, देखिए ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बोला है कि आपका बीच में स्पेस करेक्टर कहीं पर ना होना चाहिए, तो इस पर उस फ़ोटो को हम यहाँ पर लाते हैं। अब देखिए ये आपका 47.5 KB का हो गया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए जो आपको बताया है कि स्पेशल करेक्टर ना होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ब्रेकर यूज किया गया है, बीच में डैश है, ये सब स्पेशल करेक्टर है। जिसको क्या करेंगे, रिनेम करेंगे। रिनेम करके हम यहाँ पे पिक या फोटो कुछ भी लिख देंगे। इसी तरह हमको साइज सिग्नेचर का करना है, तो हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे या फिर अपलोड ए न्यू फाइल, उसी तरह से फिर से कर हम साइन पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे 50 KB साइन का भी दिया हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 50 KB आपको करना है, और उसके बाद और फिर यहाँ पे आपको इसका विड्थ जो है चेंज करना है। विड्थ हाइट में यहाँ पे आना है सेंटीमीटर पे,
विड्थ इसको इस ऐसे रहने देना है, हाइट इसकी 1.5 सेंटीमीटर कर देनी है। अब ऊपर जाके डाउनलोड कर लेना है। अब आपका ये फ़ोटो तैयार हो जाएगा। लेकिन अब आपको सिग्नेचर भी यहाँ पे ध्यान देना है, सिग्नेचर को भी आपको यहाँ पे पहले वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, आप दूसरे वाले को यहाँ पर रख के फिर से इसको रिनेम करता हूँ। तो यहाँ पे आपको बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है। अब हम चलते हैं अपलोड करके आपको दिखाते हैं। ये फ़ोटो आपका हो गया और ये हो गया आपका साइन। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। दोस्तों देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे हमारा फ़ोटो साइन दिखा रहा है, आपका फ़ोटो साइन अपडेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना एड्रेस भरना है। अब यहाँ पे आप विलेज भर सकते हैं, आपका जो भी विलेज हो, यहाँ पे पोस्ट भर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे तहसील भर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना सिटी भर सकते हैं, स्टेट भर सकते हैं, पिन कोड भर सकते हैं, जो भी आपका हो भर सकते हैं यहाँ से। ठीक, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर विथ स्टडी यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्टडी अब चलता ही नहीं है, तो स्टडी का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं। आपको यहाँ पे अल्टरनेट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे मैं तभी दोनों छोड़ के देख लेता हूँ मोबाइल नंबर बिना डाले ले रहा है या नहीं। नीचे आपको ईमेल डालना है और दो बार आपको यहाँ पे ईमेल डालना है, उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालना है, फिर आप यहाँ पे किस जोन में आप अप्लाई करेंगे वो आपको यहाँ पे डालना है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, हसन, हैदराबाद, श्रीहरिकोटा, उसके बाद तिरुवनंतपुरम, जहाँ आप डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न टेस्ट सेंटर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हम लखनऊ सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रयागराज है नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। ग्रेजुएशन डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है। आपको ध्यान देना है कि आपका परसेंटेज यहाँ पे 60% के अबव होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल आपको फिल कर लेनी है। नीचे आपको हाई स्कूल का डिटेल डालना है, ऊपर आपको ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको एक प्रीव्यू देखने को मिलेगा, प्रीव्यू देख के आप सीधे इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको फॉर्म में दिख जाएंगी। नीचे आप आएंगे तो आपको प्रिंट करने का ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ पे जाके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और आपको डेट ऑफ बर्थ डाल के इसका प्रिंट आउट निकालना होता है। अब जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेमेंट करना चाहें तो वहाँ से आप इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फाइनल सबमिट का आपको ऑप्शन नीचे दिख रहा है, जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अगर इसको संशोधन करना चाहते हैं तो प्रीव्यू स्टेप पर जाके संशोधन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आएगा, फिर आप इस पर आईडी और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए। इस तरह से आपका इसका प्रिंट आउट फाइनल निकल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं।